असलम एवरी वन अच्छा मेटल वर्किंग प्रोसेस में जो आपको कुछ मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था कि मेटल वर्किंग और शीट वर्किंग के जो प्रोसेस होते हैं उसमें रोलिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ठीक है जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं और इसकी हम एनिमेशन भी देखेंगे कि किस तरह इंडस्ट्रियल प्रोसेस में रोलिंग होती है ठीक कहा, कहा है कहाँ कहाँ इसकी इम्पॉर्टेंस है और किस किन किन टाइप्स की रोलिंग होती हैं इसमें किस तरह रोलर्स एड करते हैं सामने जो आपको ये एक इमेज नज़र आ रही है दैट इज़ बेसिकली अस्कीमेटिक व्यू ऑफ रोलिंग स्कीमेटिक का मतलब ये होता है कि वो कोई ये रियल ना तो ये रियल रोलर्स हैं और ना ही दरमियान में जो मेटल रखा हुआ है ना ये कोई रियल मेटल है ये जस्ट एक आपको स्कीमेटिक मतलब इसकी स्कीम समझाने के लिए कि वॉड इज़ जस्ट गोइंग बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ रोलिंग ये आपको दिखाई जा रही है ये पिक्चर so ठीक है सो दैट इज़ स्कीमेटिक डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम इज़ ऑल अबाउट द स्कीम नॉट वट एक्चुअली इज़ हैपनिंग ठीक है कि वरना और भी चीज़ें होती हैं अब ये रोलर ऐसी थोड़ी होते हैं पूरी मशीनरी होती है जिसके अंदर ये रोलर जो होते हैं फ़िक्स हुए होते हैं अब इसमें आप ये देखें एक बात और तलब इसमें यह है कि आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला आपको रोलर नज़र आ रहा है इसकी अगर आप डायरेक्शन ऑफ़ रोटेशन देखें सो दैट डायरेक्शन ऑफ़ रोटेशन इज़ बेसिकली काउंटर क्लाक ठीक है लेकिन अगर आप इसके बरक्स जो नीचे वाला रोलर है इस पर गौर करें तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ़ रोटेशन है वो क्लाक है और फीड आप देख रहे हैं कि वो उसको हम जो मेटल का पीस है उसको राइट पर फीड कर रहे हैं अब इसमें बेसिकली बात क्या है होता ये है कि हम रोलर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा रहे होते हैं ठीक है और फीड कर रहे होते हैं मेटल को कभी मेटल फीड हो रहा होता है कभी कभी रोलर्स उस पर जो हैं वो रेसिप्रोकेट कर मतलब आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो यानी रिलेटिव होता है इनके दरमियान मोशन और जिसके ज़रिए ये शीट जो है बेसिकली ये जो भी मेटल का पीस है जिसको आप मेटल वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे अंडरगो करवाना चाह रहे हैं तो उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाती है ठीक है जब भी आप मतलब आप ये हमेशा बात याद रखिएगा कि जो रोलिंग का प्रोसेस है रोलिंग का उसका जो असल पर्पस है वो यही होता है कि आप थिकनेस को रिड्यूस कर देते हैं यानी थक जो है वो बाक़ी दो डायमेंशंस के मुकाबले में ऑलमोस्ट नेगलिजिबल हो जाती है सो सच अ स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली what वी कॉल अ शीट ठीक है ना तो शीट हम उसी को कहते हैं इसमें एक और बात आप आप अगर गौर करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेटल का पीस नज़र आ रहा है इसकी जिप जितनी भी थिकनेस है उससे कम डिस्टेंस रखा जाता है बिटवीन द रोलर्स तभी तो आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस रिड्यूस होगी सही है अगर आपने जितनी फीट की जितनी प्रीवियस थिकनेस थी या इनिशियल थिकनेस थी उतना ही आपने अगर डिस्टेंस रखा बिटवीन द रोलर तो रोलर तो बस चलते चले जाएंगे उसे कंप्रेस थोड़ी करेंगे ठीक है सो so, इस बात का ख्याल रखिएगा आगे चलते हैं अब ये जो है ये इसकी रोलिंग विजुअलाइजेशन है कि मतलब ये इस तरह से आपको ये आपको दिखाया जा रहा है कि ऊपर जो ये रोलर्स हैं ठीक है दरमियान में आपका वर्क पीस है तो वर्क पीस आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ़ से उसकी थिकनेस ज़्यादा है और दूसरी तरफ अगर आप देखें जब वो इन रोलर्स के दरमियान से गुज़र गया है तो उसकी जो थिकनेस है वो बेसिकली रिड्यूस हो गई है ठीक है थिकनेस रिड्यूस हो गई आगे देखते हैं अब बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी बहुत थियोरेटिकल मैंने स्लाइड शामिल कर दी सो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि रोलिंग बेसिकली जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है उसमें एक प्रिंस प्रिंसिपल मेथड है कि जिसमें हम मेटल्स को ग्लास को और दूसरे सब्सटेंसेस को ऐसे शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो उसकी थिकनेस है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत छोटा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर लेंथ ठीक है लेंथ इसकी लॉन्गेस्ट डायमेंशन होती है किसी भी शीट की उसके मुकाबले में बहुत छोटा हो जाता है आप ये भी कह सकते हैं कि थिकनेस जो है वो बाकी दो डायमेंशनस के मुकाबले में बहुत मामूली सी रह जाती है और जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें आपके पास बार्स होते हैं ऐसी चीज़ें शीट कहलाती हैं रॉड्स होते हैं नेल्स होती हैं सब में क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेंथ के मुकाबले में बहुत कम होता है रिड्यूज होता है गर्डर गर्डर्स हैं वायर्स हैं फिर ये कि रोलिंग बेसिकली सबसे सब ज़्यादा यूज़ होता है उन मैथड्स में जो कि शेपिंग के प्रोसेस हैं मेटल को शेप करने के ठीक है मेटल को शेप करने के और क्या प्रोसेस हैं जैसे कि मैंने आपको एक बताया था एक्सट्रूजन तो वो भी एक प्रोसेस है ठीक है वायर ड्राइंग एक्सट्रूजन वो प्रोसेस है वो भी शेपिंग का ही प्रोसेस है ना तो इसी तरह जो रोलिंग है दैट इज बेसिकली अ शेपिंग प्रोसेस मेटल फॉर्मिंग का कौन सा प्रोसेस है इसमें आप शेप दे रहे हैं पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द मैनुफेक्चर ऑफ स्टील फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रीज अभी आपने देखा होगा अक्सर कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी शीट्स यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे मिसाल के तौर कंटेनर्स में शीट्स यूज़ हो रही होती हैं तो ये शीट्स होती हैं वो बनती है कैसे शीट की बात करेंगे तो लाजमी बात है कि शीट के जो प्रोसेस हैं उनमें से एक प्रोसेस रोलिंग भी रहता है ठीक है रोलिंग के ज़रिए ही तो उसकी थिकनेस एक्चुअली रिड्यूस होती है सही तो जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट्स होते हैं मेटेलिक शीट्स होती हैं जहाँ जहाँ और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जैसे कि मिसाल मैंने दी कंटेनर्स की जहाँ आपको शीट्स की जरूरत पड़ती है तो वो बेसिकली रोलिंग के प्रोसेस से गुजर कर ही आई होती है फिर रोलिंग के बारे में बताया कि ये दो टाइप्स की होती हैं हमारे पास हॉट रोलिंग भी होती है और कोल्ड रोलिंग भी होती है ठीक है तो द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ पासिंग द मेटल बिटवीन पेयर्स ऑफ रोलर्स रिवॉल्विंग एट द सेम स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शनस ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बात बताई थी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहे होते हैं रोलर्स लेकिन इनकी स्पीड जो है वो ओवरऑल सेम होती है बस डायरेक्शन इनकी अपोज़िट होती हैं एक अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो दूसरा काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा और आगे लिखा हुआ है एंड स्पेस सो कुछ इस तरह स्पेसिंग होती है इनके दरमियान दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैम उनके दरियान का जो डिस्टेंस है इस स्लाइटली लेस देन द थिकनेस ऑफ मेटल यानी जो मेटल की इनिशियल थिकनेस है रोलिंग से पहले उससे कम होता है इन रोलर्स के दरमियान का डिस्टेंस या इनके दरमियान की स्पेसिंग ठीक है द डिग्री ऑफ चेंज दैट कैन बी मेड इन द थिकनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर अब जाहिर सी बात है क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर तेम, का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है चीज़ों को एक्सपेंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में और उनके साइजेस को वेरी करने में तो बेसिकली आप मेटल को अगर हीट अप कर रहे हैं वो जो भी मेटल का वर्क पीस है उसको आपने पहले से हीट अप किया हुआ है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे तो वो इजीली जो है वो बल्कि ज़्यादा हद तक उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा और वो शीट बनेगी वो यानी जब आप हॉट जो हाई टेम्परेचर पर करते हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड हॉट रोलिंग ठीक है आगे लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ चेंज दैट कैन बी मेड इन द थिकनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर विद हायर हीटिंग इंक्रीजिंग द प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इससे स्टील की प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का क्या मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन तो बढ़ जाती है ठीक है जबकि इसके बारे जो कोल्ड रोलिंग है कोल्ड रोलिंग में हम क्या करते हैं उसमें टेम्परेचर इतने हाई नहीं होते अनहीटेड बार शीट्स और स्ट्रिप्स ऑफ स्टील आर सेंड थ्रू द रोलर्स यूजअली रिक्वायर सेवरल रोलिंग्स टू अचीव द डिज़ायर्ड शेप अब क्योंकि यहाँ पर जब आप कोल्ड रोलिंग की अगर बात करें यानी आपने वर्क पीस जो है आपका उसको आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हीट नहीं किया तो जाहिर सी बात है फिर टेम्परेचर का अफेक्ट तो उसको प्लास्टिक नहीं बना सकता मेटल को फिर हम क्या करते हैं अगर आप कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं तो कोल्ड रोलिंग में फिर आप रोलर्स पे बहुत सीरीज ऑफ रोलर्स यूज करते हैं यानी पहले एक पेयर है रोलर्स का फिर एक और रोलर्स का पेयर फिर एक और रोलर्स का पेयर ताकि मल्टीपल टाइम्स वो उसमें से गुजरते गुजरते उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता चला जाए ठीक है कोल्ड रोलिंग ऑफिन फॉलोज हॉट रोलिंग एंड इज डन टू गेन बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या मतलब हुआ कोल्ड रोलिंग ऑफिन फॉलोज हॉट रोलिंग यानी कि कोल्ड रोलिंग के बाद हमेशा जो है वो हॉट रोलिंग होती है क्यों ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी अचीव हो जाए कौन सी कि मशीनबिलिटी है या ब्राइट सरफेस है सही है और इस तरह की मतलब क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप टेम्परे हीट ट्रीटमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का तो उससे बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपने अपने उसके जो मटेरियल्स uh, का सब्जेक्ट था उसमें भी मैंने आपको पढ़ाई थी ठीक है तो वो बेटर मशीनबिलिटी का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब आप उसको आगे प्रोसेस में मशीनिंग करेंगे ठीक है मशीनिंग आप समझते हैं कि जब कभी आप जो है वो अवलेट से जब आप uh, लेथ मशीन पे काम कर रहे होते थे या आप मिलिंग मशीन पे भी काम कर रहे होते थे तो वो मशीनिंग प्रोसेसेस थे तो मशीनिंग अच्छी हो जाती है ऐसे सब्सटेंसेस पे कि जो जो हीट ट्रीटमेंट बेसिकली उससे गुजरे होते हैं हॉट वर्किंग से भी हॉट रोलिंग से तो कोल्ड रोलिंग हमेशा जो है वो फॉलो करती है एक हॉट रोलिंग प्रोसेस को मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी आप ये समझ रहे हो कि एक, एक इंडस्ट्री में बस हॉट रोलिंग ही होती होगी या किसी में कोल्ड रोलिंग ही होती होगी नहीं कोल्ड रोलिंग हमेशा फॉलो करती है हॉट रोलिंग को ठीक है आगे लिखा हुआ है और थेनर गेज देन हॉट रोलिंग कैन सो so, अभी हम इसकी उसकी तरफ चलते हैं यानी इसकी एनिमेशन देख लेते हैं एक दफ़ा अच्छा इसमें एक चीज़ ये मैं भूल गया बताना आपको कि हॉट हॉट रोलिंग तो हम कर देते हैं ठीक है अभी हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं आप देखेंगे हॉट रोलिंग से आपकी अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अचीव हो जाती हैं और फिर ये जो कोल्ड रोलिंग है कोल्ड रोलिंग ऑफ इन फॉलोज हॉट रोलिंग ठीक है तो कोल्ड रोलिंग बेसिकली हॉट रोलिंग के बाद में करते हैं पहले नहीं बाद में करते हैं आई थिंक मैंने शायद अभी उल्टा बोल दिया था आपको शायद मैंने शायद आई थिंक मैंने बोल दिया था हॉट रोलिंग बाद में कोल्ड रोलिंग जो है वो बाद में होती है पहले हॉट रोलिंग तो आपके पास अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इससे पूरे प्रोसीजर से अचीव हो जाती हैं अब उसमें होता क्या है ग्रेन्स बेसिकली आप देखेंगे अभी जब एनिमेशन देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ग्रेन्स हैं वो किस तरह अपनी शेप डिफॉर्म होती हैं और नई शेप इख्तियार करती हैं उसको हम बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं तो अच्छी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप जो है वो अचीव कर सकते हैं ठीक है आप ग्रेन्स को नई फॉर्मेशन दे के अच्छी प्रॉपर्टीज़ अचीव अच्छी कर सकते हैं जैसे कि मशीन एबिलिटी है तो चलते हैं हम उसकी तरफ यानी एनिमेशन की तरफ चलते हैं अब इसमें आप ये देख सकते हैं ये रोल्स हैं दो हमारे पास ठीक है ये बिलेट है जो हॉट मेटल है अब यहाँ पे हॉट मेटल को फीड किया जा रहा है अब देख रहे हैं आप इसका जो रिडक्शन हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंप्रेसिंग के ज़रिए कि मेटल को कंप्रेस किया जा रहा है बिटवीन टू ऑपोजिट रोटेटिंग रोलर्स ठीक है अब इसमें आप देखें कि ये जो रोल्स हैं हमारे पास या रोलर्स हैं इनके दरिया अभी आप अगर गौर करें ना ये मैं अगर इसको स्टॉप कर दूँ एक दफ़ा तो यहाँ आप देखें अभी जो ये ग्रेन्स हैं ग्रेन्स वही जो आप मटेरियल्स के कोर्स में बेसिकली पढ़ते थे जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो आप माइक्रोस्कोप पे भी ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये बेसिकली ग्रेन्स जो हैं अभी तक ये अनडिफॉर्म्ड हैं अनडिफॉर्म्ड इसलिए क्योंकि अभी तक ये रोलिंग के प्रोसेस से गुजरी नहीं है ठीक है ना अब इसमें अब आप देखें जब ये इससे गुजरेंगी पास होंगी अब आप देखें इस वक्त रोक देते हैं इसको हम अब ये ग्रेन्स जो हैं अगर आप गौर करें पहले के मुकाबले में क्या हो गई हैं थोड़ी सी लंबी हो गई स्ट्रेच हो गई एलोंगेट हो गई ये ठीक है यानी ये डिफार्म हो गई ग्रेन्स ने कोई नई शक्ल इख्तियार कर ली अब यहाँ तक कि ये पूरी जो ग्रेन्स है ना ये एक नई फॉर्म इख्तियार करेंगी ग्रेन्स आर एलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस यानी वो जो नई शेप इख्तियार करते हैं अब ये देखें दिखा रहे हैं डिफॉर्म ग्रेन्स अब इसमें आप देखें वो जो डीफॉर्म ग्रेन्स थी उन्होंने एक नई एलोंगेटेड फॉर्म को अचीव कर लिया था अब यहाँ पे कोल्ड रोलिंग की बात की जा रही है ठीक है अब एक जो शीट आपके पास आ गई हॉट रोलिंग के जरिए अब वो कोल्ड रोलिंग ऑलवेज फॉलोस हॉट रोलिंग ठीक है अब कोल्ड रोलिंग में आपके पास मल्टीपल रोलर्स होते हैं अब यहाँ पे आपको मज़ीद दो रोलर्स और नज़र आ रहे हैं एक तो बेसिक रोलर्स हैं उसके ऊपर और बड़े बड़े रोलर्स हैं वो बेसिकली ना बेंडिंग को जो है वो अवॉइड करते हैं ठीक है कि किसी ऐसा ना हो कि वो बैंड हो जाए जो आपके रोल्स हैं उनमें किसी किस्म की बैंडिंग ना हो क्योंकि ट्रांसफर्स स्ट्रेसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं ठीक है यानी एक तो लॉन्गिट्यूडल होते हैं और ट्रांसफर्स कौन से होते हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं तब तो आप ये देखें अभी इसमें से पास होगी ये बैकअप रोल है हमारे पास और वो वर्किंग रोल है दरमियान में जो छोटे छोटे हैं वर्किंग रोल हैं और ऊपर जो बड़े हैं वो बैकअप रोल हैं इन कोल्ड रोलिंग द बिलेट इज डिफॉर्म इन बिटवीन टू वर्किंग रोल ये वर्किंग रोल्स हैं आपके द बैकअप रोलर अवॉइड द बेंडिंग ऑफ वर्किंग रोल्स यानी जो वर्किंग रोल्स हैं छोटे वाले जो रोलर हैं उसमें किसी किस्म की बेंडिंग ना हो ये इंश्योर करते हैं ये आपके बैकअप रोलर्स ठीक है ग्रीन फ्लो एंड कोल्ड रोलिंग अब कोल्ड रोलिंग में भी ये रोलर्स कौन से वाले हैं ये और जो छोटे वाले भी आपको रोलर्स नजर आ रहे थे ठीक है बैकअप रोल नहीं जो नॉर्मल जो रोल रोलिंग में यूज होते हैं अब ये अनडिफॉर्म ग्रेन दोबारा से दिखा रहे हैं अब ये इसके अंदर जब पास हो गए तो दोबारा से क्या हो जाएगा इलोंगेटेड ग्रेन्स आ गए आपके पास ठीक है ग्रेन्स आर एलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फिर से वही है ग्रेन्स आर अब इस दफा देखें ये जब ये कोल्ड रोलिंग हुई है कोल्ड कोल्ड रोलिंग हुई है इसमें आपने हॉट उसको फीड नहीं किया वर्क पीस को वर्क पीस को इस दफ़ा आपने कम टेम्परेचर पे मतलब लट से ये रिड्यूस टेम्परेचर हो सकता है रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा सा हाई उस टेम्परेचर पे आपने जो है वो इसको अंदर फीड किया है तो इसमें ना रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होती ठीक है रिक्रिस्टलाइजेशन बेसिकली आपके पास हॉट रोलिंग में होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेन्स आर नॉट रिफॉर्म्ड ठीक है मतलब दोबारा अब एलॉन्गेट होकर फिर उन्होंने जो शक्ल इख्तियार की वो वैसी है यानी पहले जैसे सिमिलर पुरानी जैसी ठीक है बस जस्ट क्या है कि पूरे प्रोसेस से आपके पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं सो so, मैं ख्याल बस यहीं था कि दैट्स ऑल इसमें अब कोई भी अगर क्वेश्चन हो या फिर ये कि आप इसको ऐसे किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे होता है लेकिन इंडस्ट्रियल विजिट्स तो अभी हम क्योंकि कोविड की वजह से बेसिकली नहीं कर सकते लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि एनिमेशंस के, के थ्रू या आप अगर कोई वीडियो वैसी जो जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बेसिकली हो रहा होगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह रोलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है रोलिंग के प्रोसेस का पर्पज़ बेसिकली क्या होता है एक ही होता है कि आप जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर रहे होते हैं थिकनेस को रिड्यूस कर रहे होते हैं बेसिकली शीट्स बार्स और इस तरह की जो प्लेट्स वगैरह हैं फॉर्म कर, कर रहे होते हैं क्योंकि इनका पर्पस कंस्ट्रक्शन uh, में भी है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी है ठीक है सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ठीक है एंड कोई क्वेश्चन हों सो यू आर ऑलवेज़ वेलकम आप मुझे जो है वो जूम पर हम सेशन भी रख लेंगे और जूम पे क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं और आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं जैसे आप भेजते हैं आप लोग ठीक है सो थैंक यू वेरी मच हैव डे अल्लाह हाफिज़